यूपी में इन दिनों बदमाश बेलगाम हो गए हैं। लगातार बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। कहीं लूट तो कहीं मुठभेड़ की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। खासकर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ की खबरें इन दिनों ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। ताजा मामला तो इसी ओर इशारा कर रहा है कि यूपी में बदमाशों से पुलिस का खौफ उठता दिख रहा है। यूपी के सीतापुर के बिस्वा इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। रात के अंधेरे में करीब आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाशों पर गोलियां चलाई और इलाके के लोगों के साथ मिलकर बदमाशों को दबोचने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने अपने हाथ में लाठी डंडे लेकर बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की। इसके बाद अपने आप को घिरता देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। इस घटना के बाद इलाके के लोग भी डरे और सहमे हुए हैं, तो वहीं पुलिस भी बदमाशों की तलाश में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सीतापुर से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।